दिल्ली हिंसा में मारे गए 44 लोगों के नामों की लिस्ट को पुलिस ने किया जारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 24 की मौत मारपीट से होने का खुलासा। पुलिस के मुताबिक दिल्ली दंगे में 12 लोगों की गोली लगने से मौत, जबकि जिंदा जलने से 5 और पत्थर लगने से 1 की मौत। ताहिर हुसैन पुलिस पूछताछ में अपने घर में मिले पत्थर और पेट्रोल बमों के बारे में ठीक से नहीं दे रहा है जवाब। उसके दोनों फोन भी अब तक बरामद नहीं हुए हैं। दिल्ली दंगों में सरेआम गोलियां चलाने और पुलिसकर्मी पर पिस्टल तान देने के आरोपी शाहरुख की पिस्टल बरामद, मोबाइल फोन भी बरामद। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर है शाहरुख। दिल्ली हिंसा को लेकर अब 12 मार्च को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। सरकार और पुलिस को मिला जवाब देने का और वक्त। भड़काऊ भाषण के आरोप में हर्ष मंदर पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई। दिल्ली में मेरठ और गाजियाबाद से भी आए थे दंगाई, इस अंदेशे की जांच और पहचान का काम शुरू। दिल्ली पुलिस की मेरठ और गाजियाबाद पुलिस के साथ बैठक। बीजेपी ने दिल्ली दंगा पीड़ितों को 5,000 रुपए और 5-5 किलो का राशन देने का अभियान शुरू किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि ये सहायता ऐसे पीड़ितों को दी जा रही है जो दंगों में घायल हो गए या उनके मकान दुकान को नुकसान पहुंचा है। इटली में कोरोना वायरस से और 49 लोगों की मौत, मृतकों का आंकड़ा 197 तक पहुँचा। कोरोना वायरस दुनिया के 91 देशों में फैल चुका है। इससे अब तक करीब 3,406 लोग मर चुके हैं और संक्रमितों की संख्या करीब 1,00,000 को पार कर गई है। भारत में कोरोना के अब तक 31 मरीज, 5 शहरों में सेना बनाएगी 1,500 वार्ड के आइसोलेशन सेंटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को दुनिया के लिए बड़ी चुनौती माना है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए हमें एकजुट होने का संकल्प लेना होगा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को ऑफिस मेमोरेंडम भेजा। मंत्रालय ने राज्यों से कहा एक जगह भीड़ इकट्ठी ना होने दें और अगर भीड़ इकट्ठी होती है तो राज्य सरकार कार्रवाई करे। दुनिया में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस की दवा खोजने के लिए भारतीय वैज्ञानिक भी तेजी से जुटे हुए हैं। हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के 15 वैज्ञानिक पिछले कई दिनों से इस बीमारी का तोड़ ढूंढने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। कोरोना को देखते हुए बीएसएफ ने बाघा बॉर्डर पर होने वाली रिट्रीट सेरेमनी में पब्लिक की एंट्री बंद की। सीआईएसएफ ने आने वाले हफ्ते में देश भर में होने वाली वार्षिक परेड को भी रद्द किया। छात्रों में फैला कोरोना वायरस के खौफ, हरियाणा के अंबाला में आईटीआई इंस्टीट्यूट ने छात्रों की बायोमेट्रिक हाजिरी अटेंडेंस पर लगाई रोक। कोरोना से बचाव के लिए दिल्ली में 31 मार्च तक 10,000 से ज्यादा आंगनबाड़ियां भी बंद। स्कूलों में सुबह होने वाली असेंबली पर भी लगाई गई रोक। कोरोना वायरस के खतरों को देखते हुए राष्ट्रपति भवन में बरती जा रही है सावधानी। सरकार ने मुगल गार्डन को आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर आज अयोध्या में रामलला के करेंगे दर्शन। अयोध्या में 5,000 शिव सैनिक करेंगे उद्धव का स्वागत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी पर आतंकी हमले का खतरा, आईबी ने एक धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद गुजरात पुलिस को भेजा अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पहले शरणार्थियों को अधिकार देने की बात करने वाले आज कर रहे हैं नागरिकता कानून का विरोध। पीएम नरेंद्र मोदी 17 मार्च को जाएंगे बांग्लादेश के दौरे पर, सीएए और एनआरसी को लेकर चिंताओं को करेंगे दूर। सरकार ने न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है। ये आयोग जम्मू कश्मीर के साथ ही असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में भी परिसीमन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जन औषधि दिवस के मौके पर 7 भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे चर्चा। एनआईए ने पुलवामा हमले में मदद करने वाले 2 और लोगों रेजुल इस्लाम और मोहम्मद अब्बास रातर को किया गिरफ्तार। पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि उन्होंने बम धमाके करने के लिए केमिकल की ऑनलाइन शॉपिंग की थी। आतंकियों ने श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके के पुलिस चेक पोस्ट पर ग्रेनेड से किया हमला। हमले में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक नागरिक घायल। हमले के बाद आतंकी फरार। निर्भया के दोषी मुकेश का नया पैंतरा, पुराने वकील पर लगाया साजिश का आरोप। नए क्यूरेटिव और दया याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट से जुलाई 2021 तक का मौका मांगा। लोकसभा में हंगामे की जांच के लिए बनाई गई जांच कमेटी, स्पीकर ओम बिरला होंगे समिति के प्रमुख, सभी दल के सांसद होंगे सदस्य। 7 कांग्रेसी सांसदों को किया गया था निलंबित। जमीन अधिग्रहण कानून पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का बड़ा फैसला, 5 साल के अंदर कब्जा लेकिन मुआवजा नहीं मिलने पर रद्द नहीं होगा अधिग्रहण। योगी सरकार के पोस्टर लगाने की कार्रवाई पर सियासत तेज, एसपी सांसद एसटी हसन का बयान, सिर्फ एक समुदाय के लोगों को किया जा रहा है टारगेट। दारापुरी ने कार्रवाई को कहा गैर कानूनी।
यूपी के रामपुर में एसपी सांसद आजम खान पर दर्ज शत्रु संपत्ति के मामले में रामपुर कोर्ट में आज सुनवाई। पुलिस कर सकती है रिमांड की मांग। आजम खान पर जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति की करीब 13 हेक्टेयर जमीन मिलाने का है आरोप। यूपी के ग्रेटर और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के नोएडा के छजारसी में स्कूल की निर्माणाधीन दीवार गिरने से हादसा, मलबे में एक ही परिवार के 3 बच्चे दबे, एक की मौत। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में एक महिला की सिर कुचलकर हत्या, सीसीटीवी में दिखा संदिग्ध लड़का गिरफ्तार, ब्लैकमेलिंग का माना जा रहा है मामला। 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एक्वा लाइन के 2 मेट्रो स्टेशन को पिंक स्टेशन घोषित करेगा, महिलाओं के हाथ में होगी कमान। यूपी के प्रयागराज में 2 प्रेमिकाओं से शादी करने वाले आशिक की बड़ी मुश्किलें, पुलिस ने प्रेमी के ऊपर केस दर्ज किया। शादी बाद से ही युवक एक प्रेमिका को छोड़ दूसरी प्रेमिका के साथ हुआ फरार। यूपी के वाराणसी में कुत्तों के काटने की बढ़ती समस्या को देखते हुए नगर निगम ने पालतू कुत्तों के लिए आई कार्ड बनाने का फैसला किया। इसके लिए प्रति कुत्ता 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। उत्तराखंड के टिहरी में देवीधार के पास खाई में गिरी गाड़ी, हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 लोग हुए घायल। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से बड़ी मुश्किलें, भराणी सैण में चल रहे सत्र पर भी पड़ा असर। यूपी में बारिश और ओलावृष्टि से कई इलाकों में फसलों को भारी नुकसान। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में लगातार बर्फबारी, केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी कई फीट बर्फ जमा हुई। ओलावृष्टि और बारिश से यूपी के कई इलाकों में फसलों को भारी नुकसान। मथुरा में कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने प्रभावित गांवों का किया दौरा, डीएम को 3 दिन में प्रभावित गांवों की लिस्ट सौंपने के निर्देश। दिल्ली NCR समेत कई जिलों में हुई बारिश, ओलावृष्टि और बारिश से लौटकर बढ़ी ठंड, और भी बारिश के आसार। मध्य प्रदेश के भोपाल में फिर मुख्यमंत्री से मिले बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी, कहा दम के साथ सीएम से मुलाकात करने आता हूं और आगे भी आऊंगा, समर्थन करता हूं और करता रहूंगा, मेरे दिल में चोर नहीं है। सुसनेर सीट से निर्दलीय विधायक राणा विक्रम सिंह ने की सीएम कमलनाथ से मुलाकात, कहा मेरे जिले में किसानों के 2 लाख तक के कर्ज हुए माफ, व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री से हूं बहुत प्रभावित, सरकार को है समर्थन। कोरोना वायरस को लेकर सोनिया गांधी ने लिखी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी, सतर्कता बरतने के दिए निर्देश, WHO की चिंता से कराया वाकिफ। महिलाओं पर बढ़ते लैंगिक हमलों और छेड़छाड़ की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए मध्य प्रदेश के बैतूल में हिंदू वाहिनी संगठन ने छात्राओं को चिली स्प्रे के पैकेट बांटे, साथ ही उन्हें आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए। मध्य प्रदेश में नमस्ते ओरछा कार्यक्रम का आगाज, पर्यटन मंत्री विजयलक्ष्मी साधौ और मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर रहे मौजूद, कोरोना वायरस को लेकर किए गए विशेष सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक स्कूल में बड़ा हादसा, स्कूल की छत गिरने से 4 बच्चे घायल, एक छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। बिहार की मुजफ्फरपुर पुलिस की अनोखी पहल, होली के मौके पर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे यात्रियों को सुरक्षित घर तक छोड़ेगी पुलिस, रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक पुलिस चलाएगी फ्री बस सेवा। बिहार की मुजफ्फरपुर पुलिस की अनोखी पहल, होली के मौके पर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे यात्रियों को सुरक्षित घर तक छोड़ेगी पुलिस, रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक पुलिस चलाएगी फ्री बस सेवा। बिहार के बेगूसराय में 20 सड़क पर सवारी बिठा रहे एक बस चालक को ट्रैफिक DSP ने मारी लाठी, चोट लगने से ड्राइवर के एक आंख की रोशनी गई। बिहार विधान परिषद की कैंटीन से विधायकों की सेहत को खतरा, गंदे नाले के पानी से बनाई जा रही है चाय और नाश्ता, तस्वीरें आई सामने तो विधायकों के होश उड़े। बिहार विधानसभा परिसर में RJD ने किया चूहे के साथ प्रदर्शन, सरकार पर कसा तंज, कहा हर बात के लिए चूहा जिम्मेदार तो सजा दे सरकार। झारखंड में BJP में JVM के विलय को चुनाव आयोग ने दी मंजूरी, बाबूलाल मरांडी ने आयोग से किया था अनुरोध। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने होली मिलन समारोह का किया आयोजन, CM हेमंत सोरेन ने बजाया ढोल, विधायकों ने एक दूसरे को लगाया रंग। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने होली मिलन समारोह का किया आयोजन, CM हेमंत सोरेन ने बजाया ढोल, विधायकों ने एक दूसरे को लगाया रंग। कांकारी हिरन शिकार मामला, सलमान खान की अपील पर आज जोधपुर कोर्ट में होगी सुनवाई, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सलमान को पेश होने के दिए थे आदेश, CGM कोर्ट के फैसले के खिलाफ सलमान ने दायर की है अपील। राजस्थान के बूंदी में मेज नदी में गिरने से बाल बाल बचा ट्रेलर, सामने से आ रही कार को बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने ट्रेलर के ऊपर से खोया नियंत्रण। जयपुर में महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी का 5वां दीक्षांत समारोह आज, राज्यपाल कलराज मिश्र होंगे समारोह के मुख्य अतिथि, करीब 2,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को दी जाएंगी उपाधियां।
राजस्थान में ACS मेडिकल रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य में नहीं है मास्क की कमी, 20,000 N95 मास्क मंगवाए गए। पश्चिमी राजस्थान में 100 साल तक नहीं होगी पानी की किल्लत, बाड़मेर जैसलमेर में मिला 482 बिलियन क्यूबिक मीटर का जल भंडार, पेट्रोलियम जल शक्ति मंत्रालय मिलकर खारे पानी को बनाएंगे पीने योग्य। राजस्थान के अलवर में 5वीं क्लास की छात्रा ने घर में की खुदकुशी, टेस्ट पेपर में नंबर कम आने पर दी जान, पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम परिजनों को सौंपा शव। राजस्थान के भरतपुर में आकाशीय बिजली गिरने से लड़की की मौत, 6 लोग घायल, नागौर में भी दंपत्ति पर गिरी आकाशीय बिजली, महिला की मौत, किसान गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के सीकर में बाबा खाटू श्याम मेले की धूम, दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब, फूलों से किया गया बाबा का श्रृंगार। राजस्थान के अलवर पुलिस ने यौन संबंध बनाने के बाद ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, आरोपी महिला फरार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कल राजस्थान की महिलाएं रोडवेज बसों में कर सकेंगी फ्री सफर, राजस्थान की सीमा में चलने वाली साधारण रोडवेज बसों में मिलेगी सुविधा। राजस्थान के जयपुर में फागोत्सव की धूम, ठाकुर जी के मंदिरों में फूलों की बौछार, गोविंद देव जी मंदिर में फाग की मस्ती में डूबे नजर आए भक्त। राजस्थान के सीकर में परवान पर चढ़ा बाबा खाटू श्याम का मेला, दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब, फूलों से किया गया बाबा का अलौकिक श्रृंगार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज भिवानी में प्रगति रैली के दौरान करोड़ों की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास, गुरुग्राम में जाट कल्याण सभा के कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। पंजाब के बरगाड़ी बेअदबी मामले में CBI ने कोर्ट से मांगा वक्त, सुप्रीम कोर्ट में दायर की विशेष रिव्यू पिटीशन का दिया हवाला, अब 1 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। पंजाब में पटियाला की 100 साल से ज्यादा उम्र की मान कौर को नारी शक्ति अवार्ड के लिए चुना गया, 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे सम्मानित। बिन मौसम हुई बारिश ओलावृष्टि से देश भर में फसलों को नुकसान पहुंचा है, पंजाब के संगरूर और मोगा जिले में खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है, प्रभावित किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को वित्त मंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में और विधान परिषद में वित्त राज्य मंत्री शंभूराजे देसाई ने 2020-21 का बजट पेश किया, बजट में 9,511 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होने का अनुमान। असम के डिब्रूगढ़ में घर में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत विंटर गेम्स का होगा आगाज, देश भर से आए खिलाड़ी स्नो बोर्डिंग, स्नो स्कीइंग, क्रॉस कंट्री और स्नो शो प्रतियोगिताओं में लेंगे हिस्सा। केरल के त्रिशूर के गुरुवायूर मंदिर में हाथियों की रेस का आयोजन किया गया, रेस में 24 हाथियों को किया गया शामिल। तेलंगाना के निजामाबाद में सड़क हादसे में 3 छात्रों की मौत जबकि 3 गंभीर रूप से घायल, दोस्त की शादी समारोह से लौट रहे थे सभी छात्र। तमिलनाडु के कोयंबटूर में कैंसर से जूझ रहे मरीजों की मदद के लिए 80 छात्राएं आई सामने, छात्राओं ने कैंसर से पीड़ित महिला मरीजों के लिए अपने बाल दिए दान। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने बजट सत्र में दोनों सदनों को किया संबोधित, 20 मार्च तक चलेंगी बजट सत्र की बैठकें। तेलंगाना में कांग्रेस MLC जीवन रेड्डी ने तेलंगाना सरकार पर कृषि क्षेत्र की पूरी तरह से अनदेखी करने का आरोप लगाया, कहा किसानों की समस्याओं को हल करने में सरकार विफल रही। कर्नाटक के बीदर में नागरिकता कानून के खिलाफ नाटक करने वाले बच्चों के ऊपर दर्ज देशद्रोह के केस को खत्म करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने दायर की थी जनहित याचिका। तमिलनाडु के चेन्नई के पन्नी मल्लर कॉलेज में साइंस बाजार का आयोजन, पहले दिन 800 आविष्कार और 500 आइडिया पेश, साइंस बाजार में हिस्सा ले रहे हैं करीब 2,500 इंजीनियरिंग छात्र। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में 5 दिन चलने वाला नौकोत्सवम उत्सव शुरू, फाल्गुन एकादशी पर भगवान वेंकटेश्वर को नौकोत्सव के दिन भगवान राम का दिया जाता है रूप। आंध्र प्रदेश सरकार अनंतपुर जिले के लेपाक्षी गांव के मंदिर में 2 दिन का लेपाक्षी उत्सव मना रही है, रायल सीमा इलाके में काफी प्रचलित है ये उत्सव। 20 कैरेट सोने का भी आभूषण बनाने में हो इस्तेमाल, राज्यसभा में उठी मांग, फिलहाल 14, 18 और 22 कैरेट के सोने के ही बनते हैं आभूषण। ICC महिला T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल खेला जाएगा, 8 मार्च को भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर का जन्मदिन भी है, ऐसे में पूरी टीम जीत हासिल कर उन्हें जन्मदिन का गिफ्ट देने की तैयारी कर रही है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा क्वालिफायर टूर्नामेंट टला, 16 मार्च से मलेशिया में होनी थी प्रतियोगिता, पेरिस मैराथन भी 7 महीने आगे बढ़ा। भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए फाइनल बेहद अहम, जन्मदिन के दिन ही होगा मैच, 31 साल की हो जाएंगी हरमनप्रीत।
कोरोना वायरस को देखते हुए खेल मंत्री किरण रिजिजू की भारतीय एथलीटों को सलाह, दूसरे खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से बचें। रविंद्र जडेजा नहीं खेल पाएंगे रणजी ट्रॉफी, नहीं मिली मंजूरी, सौराष्ट्र की तरफ से नहीं खेलेंगे फाइनल। सऊदी अरब में दो वरिष्ठ प्रिंस को हिरासत में लिया गया, सूत्रों के मुताबिक इसमें किंग सलमान के छोटे भाई प्रिंस अहमद बिन अब्दुल अजीज भी शामिल। अफगानिस्तान के काबुल में विपक्षी नेताओं की बैठक में एक बंदूकधारी ने अचानक किया हमला, हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत। बैठक में अब्दुल्ला भी पहुंचे थे। किसी राजनीतिज्ञ के हताहत होने की खबर नहीं है। गृह युद्ध के कारण सीरिया से भाग रहे हजारों शरणार्थी ग्रीस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने के लिए ग्रीस पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, यूरोपियन यूनियन ने की ग्रीस में न घुसने की अपील। इसराइल में हुए संसदीय चुनाव में अल्पसंख्यक अरब पार्टियों को 15 सीटों पर मिली जीत, ईमान यासिन खतीब संसद में हिजाब पहनकर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। ऑस्ट्रेलिया में अखबार के साथ मिल रहे हैं टॉयलेट पेपर, कोरोना वायरस को लेकर उठाया गया कदम। कोरोना वायरस का असर सऊदी अरब की मक्का की अल हराम मस्जिद पर भी दिखाई दे रहा है। दवाओं के छिड़काव के बाद मस्जिद को दोबारा से खोली गई, लेकिन वहां पर बहुत कम जायरीन दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर आई करीना कपूर खान, शुरुआत में करीब 7 लाख फॉलोअर्स हुए, बचपन और हाल की दो तस्वीरें लगाई। मुंबई में शुक्रवार को ईशा अंबानी ने रखी होली पार्टी, इस पार्टी में निक जोनस के साथ प्रियंका चोपड़ा भी हुई शामिल। होली पार्टी में मैचिंग कपड़ों में पहुंचे प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस।